दिल्ली नगर निगम के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 दिसंबर को इसके लिए चुनाव जो है वो दिल्ली में होंगे। दिल्ली कांग्रेस किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, अनिल चौधरी हमारे साथ हैं। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के चुनाव में उतरने जा रहे हैं? मुद्दे स्वाभाविक है दिल्ली की जनता के, खासतौर से जो 2.5 साल में मैंने देखा है, तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर अरविंद ने जो दिल्ली को बनाया है। अफसोस होता है, जिस शहर की कल्पना अरविंद करा करते थे उसके विपरीत परिणाम देखे। आज दिल्ली पूरी तरह से प्रदूषित है। विश्व में पहचान देने की बात अरविंद करते थे, अफसोस ये कि बदनामी में दिल्ली को आज जाना जा रहा है। बदनामी प्रदूषण की है, बदनामी रेप को लेकर के, क्राइम को लेकर के, बदनामी शराब को लेकर के, नशे को लेकर के। तो जो शिलाजीत कांग्रेस की दिल्ली होती थी, जब नारे होते थे मेरी दिल्ली मैं सवार हूं, स्वच्छ दिल्ली, ये गर्व की बात होती थी। और इस शहर को यदि प्रदूषण को लेकर के कोई टिप्पणी होती थी तो कांग्रेस उस पर चिंतित होती थी और काम करना शुरू करती थी, प्लानिंग होती थी और साल भर काम होता था। और ये इस दावे के साथ कहना चाह रहा हूं, याद होगा उस समय डीजल की गाड़ियों को सड़कों से हटाना एक अपने आप में चुनौती था, टैक्सी और ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कराना एक बड़ी चुनौती होता था। दिल्ली का उस समय ग्रीन एरिया 30-35% हुआ करता था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो उसके लिए मेट्रो को सही समय पर शुरू कराएगा, और मुझे याद है मेट्रो फेज 1 और फेज 2 अपने तय समय से पहले कंप्लीट हुए थे। ये क्या दर्शाता है? एक मुख्यमंत्री इस शहर के लिए चिंतित थी, इस शहर को अपना परिवार मानती थी और उस पर काम करती थी। 15 साल हमारा वो इतिहास रहा है, हमने वो कांग्रेस और शीला जी की दिल्ली को देखा है। लेकिन अरविंद ने जो वादा किया उस वादे के विपरीत ये शहर की छवि बनी है। शहर पूरी तरह से विश्व में बदनाम हुआ है। उपलब्धि क्या है वो अरविंद जाने, लेकिन उपलब्धि के रूप में बदनामी शहर को मिली है। तो सवाल ये है, जहां अरविंद ने शहर को नई पहचान दी, नशे की राजधानी, प्रदूषित राजधानी, बेरोजगार, क्राइम वगैरह वगैरह, वैसे ही 15 साल एमसीडी के अंदर भाजपा है। 15 साल में भाजपा ने नए नए आश्वासन देकर के अपने पार्षदों के लिए वोट मांगा, जीते भी। लेकिन एमसीडी की परिभाषा क्या गठित हुई? मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट। किसकी वजह से? अपने पार्षद, करप्टेड लैंटरमैन जिनको कहा जाता है, एक नए नाम के साथ ये लोग आए, लैंटरमैन। और उन्होंने क्या किया? लोगों के मकान तोड़वाए, उगाही करी, अपने मकान बनाए। पर दिल्ली की जनता का क्या हुआ? कूड़ों के बड़े बड़े पहाड़ गली मोहल्ले में। प्रधानमंत्री का मुझे नारा याद आता है, स्वच्छ भारत अभियान। अपने मुख्यमंत्री के दावे की हवा निकाल दी, तो ये आदमी किस हद तक ये पार्षद गए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दिल्ली के जनता के मुद्दे हैं, इस पे मैं लड़ा हूं। कई ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिस पे दोनों को जवाब देना होगा। जवाब देना होगा कि दिल्ली क्यों जल उठी, क्यों जलाई दिल्ली, दंगे क्यों हुए, क्यों आखिर एक धर्म विशेष के लोगों को आपने, कानूनन जिनको अधिकार था उनको क्यों आरोपित किया, क्यों आपने कोरोना काल में एक वर्ग, एक धर्म के लोगों को क्यों आरोपित किया, खुद मुख्यमंत्री की जुबान से क्या शोभा देता है? प्रश्न पूछा जाएगा कि परिसीमन को लेकर के दलित और माइनॉरिटी के साथ जो अन्याय हुआ उस पे आम आदमी पार्टी की मौन सहमति क्यों थी। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस पार्टी उतरेगी। 2007 के बाद से कांग्रेस ने कभी भी एमसीडी के अंदर सत्ता हासिल नहीं करी। अब ऐसे में क्या करेगी कांग्रेस जिसके कारण सत्ता में आ सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस वक्त पूरे चुनावी मूड में है और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो दिल्ली में हुआ करता था वो आम आदमी पार्टी के खाते में जा चुका है। देखो, आम आदमी पार्टी पे 2013 से पहले कोई एक सीट नहीं थी, हम 15 साल से सरकार में थे, काम पे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन एक नई उमंग और नई होप जगाई गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, कई कई सिंगापुर, लंदन, पेरिस बनाने की दिल्ली को बात कही गई। क्या हुआ 8 साल में? शीला जी के टर्म को आप तुलना करें तो आधा टर्म अरविंद ले चुके हैं। शीला जी ने 3 बार शपथ ली मुख्यमंत्री की, तो अरविंद भी 3 बार ले चुके हैं। अब अरविंद बहाना नहीं बना सकते। सो जो आपने कहा तैयारी करें, स्वाभाविक है, 3 बार शपथ ले चुके हैं सत्ता में, तैयारी करेंगे। लेकिन 2013 पे उनपे भी कोई सीट नहीं थी। अब तुलना होगी कांग्रेस और शीला जी की दिल्ली, 15 साल का शासन और 8 साल में क्या आप दिल्ली थी क्या बना दी। मुझे वो दिल्ली वापिस बनवानी है। मैं इसलिए कहता हूं मेरी चमकती दिल्ली, शीला जी की चमकती दिल्ली कांग्रेस ने बनाई थी, कांग्रेस बनाएगी। एक आखिरी सवाल, कोर्ट का रुख आपने किया था डिलिमिटेशन को लेकर के, क्या आप जो तारीखों का ऐलान हो गया है क्या इसको लेकर के भी कोर्ट जाएंगे या नहीं? देखिए, जो परिसीमन थोपा गया वो संघ का परिसीमन था, वो दलित विरोधी और माइनॉरिटी मुस्लिम विरोधी परिसीमन था। उसकी मौन सहमति अरविंद ने दी, छाप लगाई। आखिर क्या कारण थे कि अरविंद चुप रहे? क्यों सरकार नहीं गई कोर्ट में? क्यों मुझे और कांग्रेस को जाना पड़ा? वो लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उसकी सुनवाई 15 दिसंबर में है। लेकिन सवाल ये है, चुनाव अनाउंस हुआ है तो अब मैं जनता में जाऊंगा। जनता की अदालत भी एक बड़ी अदालत है, यहाँ सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर अरविंद ने धोखा क्यों दिया, उस पर हम चुनाव में उतरेंगे। जनता की अदालत में कांग्रेस जो है वो रुक करेगी, तमाम मुद्दों को जो है वो उठाएगी।